हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि नर्सिंग के प्लान पे वीडियो चाहिए, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं नर्सिंग के प्लान। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नर्सिंग के प्लान से थोड़ा सा घबराते हैं। और नर्सिंग के प्लान में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें से एक स्टेप होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोस को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। उससे पहले हम नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सो सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो हमें पेशेंट से परसीव होता है, रिसीव होता है। डाटा परसीव्ड बाय पेशेंट। सो जो क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो ऐसे क्लिनिकल वर्ड्स यूज नहीं करता, क्लिनिकल टर्म्स यूज नहीं करता है। तो वही वो डाटा होता है जो हम क्लाइंट से परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो हमें ये नहीं बोलेगा कि मुझे डिस्निया हो रहा है। तो डिस्निया एक क्लिनिकल साइन है जो सिर्फ हम लोग ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम नर्सेज या फिर डॉक्टर्स। जो भी क्लाइंट आएगा वो हमें ये नहीं बताएगा कि मुझे डिस्निया हो रहा है, वो बोलेगा कि मैं ब्रेथलेस फील कर रहा हूँ, इस तरीके के वर्ड्स यूज करेगा। तो उन्हें बोलते हैं हम सिम्टम। जैसे कुछ सिम्टम्स हैं जो क्लाइंट हमें बताएगा, और जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम बोलते हैं साइन। सिम्टम इज सब्जेक्टिव, वेयर एज साइन इज ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, अब हमने क्लाइंट से सब्जेक्टिव डाटा ले लिया, ऑब्जेक्टिव डाटा में जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे कि नेम साउंड कर रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन दोनों ही ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व्ड बाय फिजिशियन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है जैसे मैंने बताया, तो क्लाइंट बताएगा, क्लाइंट सेज that I feel breathless. Okay, client ने बोला कि मैं breathless feel कर रहा हूं, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक साइन dyspnea। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में। सब्जेक्टिव में आते हैं सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव में आते हैं साइन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप था असेसमेंट नर्सिंग के प्लान का, सेकेंड स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ जिसके थ्रू आप नर्सिंग डायग्नोस को इजीली बना पाएंगे। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक लेबल। सेकेंड इज क्वालिफायर्स। थर्ड इज रिस्क फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर किसी दूसरे वर्ड के साथ मिल जाए तो एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्वालिफायर्स हैं वो हम देखते हैं। एक्यूट, अल्टर्ड, क्रॉनिक, नोट डाउन कर लीजिएगा, डिसफंक्शनल, डिक्रीज्ड, डेफिसिट, डेफिशिएंट, एक्सेसिव, इंपेयर्ड, इंक्रीज्ड एंड इंटरमिटेंट। तो आई होप आपको सब वर्ड्स के मीनिंग पता है। इंटरमिटेंट का मीनिंग बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते, तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है रिपीटेडली।
रिपीटेडली बट बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे इंटरमीटेंट फीवर. एक तो हम लिखे सिर्फ फीवर और एक हम क्वालिफायर ऐड कर रहे हैं इंटरमीटेंट फीवर. तो एक अडिशनल नेम प्रोवाइड कर रहा है ना ये क्वालिफायर. तो इंटरमीटेंट का मतलब होता है फीवर तो आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल 2 hours तक फीवर रहा, उसके बाद आगे 4 hours 6 hours तक फीवर नहीं था बट उसके बाद दोबारा हो गया, तो उसे हम बोलेंगे इंटरमीटेंट. ठीक है. और एक्यूट अल्टर्ड इन सब का मीनिंग तो आई होप आपको पता ही होगा. इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब डैमेज, इंक्रीज्ड, सब क्वालिफायर्स का मीनिंग आप लोग जानते हो. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स. अब हम कोई डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है या फीवर है या फिर बोल सकते हो कैंसर है, तो अगर आपको पता है उस डिजीज में पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो रिस्क फैक्टर हमें ऐड करना होता है नर्सिंग डायग्नोस में. जैसे कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन ये आप ऐड कर सकते हो नर्सिंग डायग्नोस के अंदर. फोर्थ है रिलेटेड फैक्टर्स. रिलेटेड फैक्टर्स आपको ऐड करने हैं. जैसे आपने बहुत से नर्सिंग डायग्नोसिस में देखा होगा रिलेटेड टू लिखा होता है बट आपको समझ में नहीं आता है कि रिलेटेड टू क्यों लिखा हुआ है इसके अंदर. तो रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं ये हमें नर्सिंग डायग्नोस में ऐड करने होते हैं. इसमें जो मेन चीज है ना वो है क्वालिफायर्स और रिलेटेड फैक्टर्स. ये दो तो आपको ऐड करने ही करने हैं. रिलेटेड फैक्टर्स में एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे कि वॉमिटिंग हो गई है पेशेंट को तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा. डेफिसिट मैंने आपको बताया था अभी, क्वालिफायर है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग. तो वॉमिटिंग क्या हो गया, डायग्नोस्टिक लेबल हो गया यहाँ पर. तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. तो ये 4 steps जब मिल जाते हैं तो क्या क्रिएट होता है, नर्सिंग डायग्नोस क्रिएट होता है. थर्ड स्टेप होता है गोल. एक सेकेंड, थर्ड स्टेप इज गोल, फोर्थ इज प्लानिंग, फिफ्थ इज इंप्लीमेंटेशन, लास्ट वन इज इवेल्युएशन. तो ये जो एनसीपी मैं आपको बता रही हूँ नर्सिंग के प्लान, ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ नर्सिंग के प्लान. अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो एक अलग टेक्निक होती है, मतलब जो प्रोसेस होता है वो यही होता है बट थोड़ा सा राइटिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का ही देख रहे हैं. तो गोल में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें गोल अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को पेशेंट ब्रेथलेस फील कर रहा है, मैंने असेसमेंट में बताया था और हमने क्या लिखा था उसमें एक साइन जो हमने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जेक्टिव साइन हमने लिखा था ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिसे हम बोल रहे थे डिस्निया, डिस्निया हमने लिखा था. तो जो हमारा गोल होगा वो क्या होगा, पेशेंट की जो एयरवे क्लियरेंस है वो इनइफेक्टिव है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ नर्सिंग डायग्नोस के अकॉर्डिंग तो पेशेंट की जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. ठीक है, उसमें गोल में हमें किस तरीके से लिखना है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी, हमने नर्सिंग डायग्नोस में लिखा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है. गोल हमारा क्या होगा, हमें मेंटेन करना है इफेक्टिव एयरवे, टू मेंटेन द इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो कि इनइफेक्टिव था उसे हमें इफेक्टिव बनाना है. और इसमें हम एक चीज और ऐड करते हैं, एविडेंस बाय, एविडेंस बाय रिड्यूस्ड डिस्कम्फर्ट. क्या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट पहले से कम हो रहा है, जितना पहले हो रहा था उतना नहीं हो रहा है, तो ये एक एविडेंस है कि पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर होता जा रहा है, इफेक्टिव एयरवे हो गया है. ठीक है, आई होप आपको गोल क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है प्लानिंग. अब गोल हमें ये अचीव करना है, हमने असेसमेंट कर लिया है, डायग्नोस बना लिया है, अब हम ऐसे कुछ प्लानिंग्स लिखेंगे. ठीक है, जिनको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की थी और जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था उससे वो कितना इफेक्टिव है और उससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आउटकम क्या निकल के आ रहा है, तो वो हम इवेल्युएशन में लिखते हैं. तो अभी हम देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का. तो सबसे पहले तो देखेंगे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो एक डिजीज है उसमें होता क्या है. ठीक
ठीक है। तो ब्रोंको जो एक वर्ड है वो कनेक्टेड है ब्रोंकाई से। अब ब्रोंकाई क्या होते हैं, मान लीजिए ये है लंग्स, ये हमारी विंड पाइप होती है, ये टू ब्रोंकाइज होते हैं हमारे। ब्रोंकाइज के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो पाता है, एयर जो है वो लंग्स तक पहुंच पाती है, और जो CO2 हम जो एक्सपेल करते हैं वो लंग्स से बाहर पहुंच पाती है। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल हो पाती है, CO2 एक्सहेल हो पाती है ब्रोंकाई के थ्रू। ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो स्मूथ मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं इस कंडीशन में। जब स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, मींस इनहेलेशन भी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, एक्सहेलेशन भी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहेगी। तो पेशेंट बताएगा कि मुझे, मैं ब्रेथलेस फील कर रहा हूँ, कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसी डिजीज पे मैं आपको बता रही हूँ नर्सिंग केयर प्लान। अगर मैं सिंपली आपको फीवर पे बताती, मीन्स पायरेक्सिया का अगर नर्सिंग केयर प्लान बताती तो वो बहुत ही इजी होता, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक चूज किया है ताकि आप कोई भी NCP इजीली बना पाओ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान। मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी बता दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो है असेसमेंट। उससे पहले ये बता दूं कि जैसे ही आप स्टेप्स लिखेंगे इस तरीके से, तो आपको नर्सिंग वर्ड हर एक स्टेप के आगे लगाना है। ठीक है, हर एक वर्ड का जो प्रीफिक्स है वो क्या रहेगा, नर्सिंग, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नर्सिंग इवेल्युएशन। नर्सिंग लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट में हमने दो टाइप्स के डाटा कलेक्ट किए थे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का नर्सिंग केयर प्लान स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डाटा मैंने आपको बताया था क्लाइंट हमें बताता है, और उन्हें हम बोलते हैं सिम्टम्स, और जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम बोलते हैं साइन, जो कि आते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा में। सिम्टम इज सब्जेक्टिव, साइन इज ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हमें ये लाइन जरूर ऐड करनी है, द क्लाइंट सेज, कि क्लाइंट ने हमें बताया, द क्लाइंट सेज हाउ मच एवर हार्ड आई कफ वेरी लिटिल स्पूटम कम्स आउट, कि जितनी जोर से मैं कफ करता हूं उतना ही कम स्पूटम जो है वो बाहर आता है। मीन्स स्पूटम मीन्स जो कफ होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है, और दिस कफ इरिटेट्स मी अलॉट, इस कफ से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, एंड आई फील ब्रेथलेस, मुझे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमें क्लाइंट ने बताया। इसमें कोई भी क्लिनिकल ऐसे साइन यूज नहीं किया गया है, क्लिनिकल वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो अब ऑब्जेक्टिव डाटा, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखिए, कॉफ विथ और विदाउट स्पूटम। जैसे उसने बताया कि कॉफ आ रहा है, कभी कभी तो आता है लेस क्वांटिटी में, है ना, जितनी जोर से करता है कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है कफ। तो उसने हमें यही बताया, तो हम क्या लिखेंगे, कफ विद और विदाउट स्पूटम इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली का यही मतलब है कि गैप देके आ रहा है। ठीक है, डिस्निया इंक्रीज्ड विद कफ, जैसे उसने बताया कि मैं ब्रेथलेस फील कर रहा हूँ, तो उसे हम लिख देंगे डिस्निया क्लिनिकल लैंग्वेज में, क्योंकि ब्रेथलेस का मतलब होता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मीन्स डिस्निया। डिस्निया इंक्रीज हो रहा है कफ के साथ। ठीक है, जैसे उसने बताया कि जैसे ये कफ मुझे इरिटेट कर रहा है, और ये कफ इट मेक्स मी ब्रेथलेस, इसकी वजह से मैं ब्रेथलेस फील कर रहा हूँ। तो हम लिखेंगे डिस्निया इंक्रीजेस विद कफ, कफ के साथ डिस्निया की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। तो आई होप आपको असेसमेंट क्लियर हो गई होगी। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे पेशेंट ने ओनली ये नहीं बताया कि ब्रेथलेस, पेशेंट हमें और भी कुछ सिम्टम्स बताएगा। जैसे वो बोलेगा कि मुझे कोई भी काम करने में मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, पेशेंट सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेगा कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मुझसे कोई भी काम नहीं किया जा रहा, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है। ठीक है, और पेशेंट को अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम एक डायग्नोज बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं नॉलेज डेफिसिट है, और पेशेंट बोलेगा कि मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो उसे हम लिखेंगे फैटीग। तो हर एक सिम्टम पे हम डायग्नोज बनाते हैं, तो एक NCP में हम 3 to
4 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, तो अभी हमने एक ही डायग्नोस बनाया, इसी तरीके के 2 या 3 डायग्नोस हम और बनाते हैं एक नर्सिंग केयर प्लान के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने डायग्नोस बनाया, जैसे वो ब्रेथलेस फील कर रहा है तो हमें पता लगाना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो अभी हम डायग्नोस बनाएंगे। तो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अभी मैंने आपको बताया था कुछ क्वालिफायर्स हैं जो हम वर्ड्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं जिससे उस वर्ड को एक एडिशनल मीनिंग मिल जाता है। तो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ठीक है, एयरवे क्लियरेंस जो है वो इन इफेक्टिव है, मीन्स स्पूटम जो है कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो एयरवे क्लियरेंस जो है वो इन इफेक्टिव है। रिलेटेड टू, रिलेटेड फैक्टर्स भी मैंने आपको करवाए थे नर्सिंग डायग्नोसिस में, मैंने बोला था रिलेटेड फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स एंड क्वालिफायर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग डायग्नोस को बनाने के लिए। तो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू, अब उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। इस प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ब्रोंकाई में, जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, इनहेलेशन का भी नहीं हो पाता, एक्सहेलेशन का भी नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन जो है इनहेल नहीं हो पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, उसी की वजह से जो पेशेंट है वो ब्रेथलेस फील कर रहा है। तो हमें पता लग गया पेशेंट को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है तभी पेशेंट को इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड इनइफेक्टिव कफ एज एविडेंस बाय इंटरमिटेंट कफ। अब देखिए हमने यहाँ लिखा था ऑब्जेक्टिव डाटा में इंटरमिटेंट कफ विद और विदाउट स्पूटम इंटरमिटेंटली, तो कफ जो है वो इंटरमिटेंट है, मीन्स गैप दे के आ रहा है, कभी तो आ रहा है और फिर कुछ घंटों तक आया ही नहीं, उसके बाद फिर आ रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है कफ, तो कफ को हम लिखेंगे इंटरमिटेंट कफ। ये एक प्रूफ है हमारे पास असेसमेंट के अंदर, एक एविडेंस है इंटरमिटेंट कफ का, तभी हम लिखेंगे इनइफेक्टिव कफ। अब इनइफेक्टिव कफ तो हमने लिख दिया, उसके बाद इसका जो एविडेंस है वो हमने यहाँ दिया हुआ है एज एविडेंस बाय इंटरमिटेंट कफ विद और विदाउट स्पूटम, यहाँ पे भी है हमने लिखा हुआ है विद और विदाउट स्पूटम यहाँ पे भी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नर्सिंग डायग्नोस किस तरीके से बनाया जाता है, क्वालिफायर्स प्लस रिस्क फैक्टर्स प्लस रिलेटिव फैक्टर्स प्लस डायग्नोस्टिक लेबल, सबको मिलाकर बनाया जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नर्सिंग गोल। तो अब गोल मैंने आपको बताया था, गोल मीन्स हमारा पर्पस क्या है, ठीक है, तो ये सब हमें सिम्टम्स एंड साइंस शो हुए हैं, इसके बाद हमारा पर्पस क्या है। तो द क्लाइंट मेंटेन्स अ पेटेंट एयरवे, तो एयरवे है इनइफेक्टिव, एक पेटेंट एयरवे क्लाइंट का मेंटेन हो जाए, यही तो हमारा गोल है, एज एविडेंस बाय रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस बाय इफेक्टिव कफ एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। एविडेंस है कि अगर पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो सिक्रीशंस है वो भी, मतलब जो कफ है वो इफेक्टिव हो जाएगा, अभी कफ क्या है इनइफेक्टिव है, तो कफ जो है इफेक्टिव हो जाएगा और जो डिस्कम्फर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तभी पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंट हो पाएगा। तो यही हमने अचीव करना है और एविडेंस इसमें हम लिख देंगे, तो आई होप गोल भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग। अब हम प्लानिंग क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो हम कफ पैटर्न देखेंगे, वही इंटरमिटेंट है, कफ पैटर्न वही हम देखेंगे एंड ब्रेथ साउंड्स को हम देखेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट है गिव क्लाइंट 8 to 10 क्लासेस ऑफ वार्म फ्लूइड, वार्म फ्लूइड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे 8 से 10 क्लास, हम प्लानिंग कर रहे हैं अभी कि हमें प्रोवाइड कराना है, कि हमें एसेस करना है, हमें क्लाइंट को 8 to 10 क्लास ऑफ वार्म वाटर वार्म फ्लूइड प्रोवाइड कराना है, एडमिनिस्टर कराना है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एज ऑर्डर, जो कि फिजिशियन ने ऑर्डर की हुई है वो हमें करवाना है अभी। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन थ्राइस डेली, कि पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन देनी है थ्राइस डेली, मीन्स TID मतलब 3 times a day हमें इनहेलेशन प्रोवाइड करानी है स्टीम इनहेलेशन। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, अब देखिए एंटीबायोटिक्स आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ एक एंटीबायोटिक को मेंशन करना, तो एक एंटीबायोटिक मेंशन कर देंगे कैप्सूल मॉक्स 500 mg TID, तो हमें एडमिनिस्टर करवाना है अभी एंटीबायोटिक्स, हमें दिन में 3 बार देनी है थ्राइस अ डे एंटीबायोटिक्स कैप्सूल मॉक्स 500 mg, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक होती है एमोक्सिसिलिन 500 mg वो हमें प्रोवाइड करानी है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की, जो भी हमने प्लानिंग की थी उसे हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है, और जिन भी बच्चों को थोड़ी इंग्लिश में ग्रामर में प्रॉब्लम है उनको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर एडमिनिस्टर लिखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको सिंपली यही का यही सेंटेंस लिख के लास्ट में एडमिनिस्टर्ड कर देना है,
एडमिनिस्टर्ड मीन्स हम एडमिनिस्टर करवा चुके हैं, ठीक है, उसको हम एडमिनिस्टर्ड लिखते हैं। तो असेसमेंट इज डन, असेसमेंट हो चुकी है हमारी। उसके बाद 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एंड वार्म फ्लूइड प्रोवाइड कराने थे, तो वो भी हमने करवा दिया है। उसमें हम देखो अब ये नहीं बोल सकते कि 8 से 10 ग्लास पानी हमने पेशेंट को दे दिया है, ठीक है। तो हम इसमें पेशेंट को एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो 8 to 10 ग्लास वार्म वाटर का इंटेक करे, ठीक है। एनकरेज एंड हेल्प क्लाइंट इन टेकिंग इंक्रीज फ्यू एज पर ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हमने लिखा है एडमिनिस्टर्ड। स्टीम इनहेलेशन इज एडमिनिस्टर्ड, इसी तरीके से कैप्सूल जो था अमोक्सिसिलिन वो भी हमने एडमिनिस्टर्ड कर दिया है, एडमिनिस्टर कर दिया है, दैट्स व्हाई हमने लिखा है एडमिनिस्टर्ड थ्राइस अ डे। उसके बाद इवैल्यूएशन देख रहे हैं हम, नर्सिंग इवैल्यूएशन, कि हमने डायग्नोस बनाया, गोल हमने लिखा, प्लानिंग भी कर ली, प्लानिंग के बाद हमने उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, जो भी हमने प्लान बनाए थे उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर दिया। उसके बाद इवैल्यूएशन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, आउटकम क्या निकला, तो ब्रेथ साउंड क्लियर, तो जब हमने ऑस्कल्टेट किया था और ब्रेथ साउंड हमने सुनी थी विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, तो हमें पेशेंट ब्रेथलेस भी फील हुआ था, ठीक है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो रही थी, बट अब ब्रेथ साउंड्स बिल्कुल क्लियर है, यही इवैल्यूएशन निकला कि हमने कुछ प्लानिंग की थी, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसके रिजल्ट में हमने हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, इवैल्यूएशन में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो इवैल्यूएशन में हम लिखेंगे ब्रीदिंग साउंड्स आर क्लियर, क्लाइंट इज मोर कंफर्टेबल। पहले क्या था, क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट था, फैटिग फील कर रहा था, मतलब वो फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड नर्सिंग डायग्नोस किस तरीके से बनाएंगे। तो पेशेंट ब्रेथलेस फील कर रहा था ना, तो वो अनकंफर्टेबल भी था, ब्रेथलेस फील करेगा तो क्लाइंट इज मोर कंफर्टेबल। अब क्लाइंट मोर कंफर्टेबल है और ब्रेथलेस भी नहीं है, लेस ब्रेथलेस है। तो आई होप आपको ये नर्सिंग डायग्नोस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डायग्नोस देखते हैं। सो नेक्स्ट डायग्नोस हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव डाटा। द क्लाइंट सेज आई फील टायर्ड एंड आई फील ब्रेथलेस, मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी सॉरी और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो क्लाइंट ये बोल रहा है आई फील टायर्ड टू गेट अप एंड बाथ, मुझसे मुझे इतनी ज्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, मैं इतना थका हुआ फील कर रहा हूँ कि मुझसे बात तक नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो यही बोलेगा क्लाइंट, और वो जब भी उठता है तो ब्रेथलेस फील करता है, थोड़ी सी एक्टिविटी करता है बॉडी से तो वो टायर्ड फील करता है, ब्रेथलेस फील करता है। अब हम ऑब्जेक्टिव डाटा लेंगे जिसमें हम साइन जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, उसने बोला कि जब भी मैं उठता हूँ मैं टायर्ड फील करता हूँ, मैं ब्रेथलेस फील करता हूँ, तो डिस्निया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, फेटीग, टायर्ड, टायर्डनेस फील है पेशेंट को, टैकिपनिया हो रहा है। टैकिपनिया मीन्स जो ब्रीदिंग है, मीन्स जो रेस्पिरेटरी रेट है वो फास्ट हो रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस। देखो डायग्नोस हम कैसे बनाएंगे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो टायर्ड फील कर रहा है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है रिलेटेड टू इनएडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। इसका रीजन हमें यहाँ पर लिखना है कि किसके रिलेशन में ऐसा हो रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इनएडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन से, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। अगर रेस्पिरेटरी रेट हाई रहेगा यहाँ पर, जैसे ब्रीदिंग रेट हाई है, फास्ट हो रही है ब्रीदिंग, तो टिश्यू जो भी टिश्यूज हैं अगर इनफ ऑक्सीजन जो है इनहेल नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो टिश्यूज को भी इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इनएडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन है जिसकी वजह से पेशेंट टायर्ड फील कर रहा है, एंड डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एज एविडेंस बाय, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हमने लिख दी एंड डिस्निया भी पेशेंट को, तो इसका भी एविडेंस हमें साथ में लिखना पड़ेगा कि डिस्निया अगर पेशेंट को है तो इसका क्या एविडेंस है, एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स, कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पर एविडेंस दिया गया है कि आई फील टायर्ड टू गेट अप एंड बाथ, तो ये एक एविडेंस है कि अपनी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, एंड कॉन्स्टेंट फटीग, कॉन्स्टेंटली मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली उसको टायर्डनेस फील हो रही है। तो आई होप आपको नर्सिंग डायग्नोस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है गोल। अब इसमें हमारा मोटिव क्या है, हमारा मेन नर्सिंग गोल क्या है, तो क्लाइंट फील्स इंप्रूवमेंट इन एक्टिविटी, कि जो क्लाइंट है उसको उसकी एक्टिविटी टॉलरेट हो, तो उसको एक्टिविटी टॉलरेंस में इम्प्रूवमेंट हो कि अपनी सारी एक्टिविटीज कर पाए, उसको टायर्डनेस भी फील ना हो और ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी फील ना हो।
और ये कब हो पाएगा, ये गोल हम कब अचीव कर पाएंगे, तो इसका क्या एविडेंस होना चाहिए, कब हमें पता लगेगा कि हमारा गोल जो है अचीव हो गया है, एज एविडेंस बाय रिड्यूस फटीग एंड डिसनिया। अगर फटीग रिड्यूस हो जाए, ऐसी हम प्लानिंग करें, ऐसी इंप्लीमेंटेशन करें जिससे फटीग जो है, टायर्डनेस रिड्यूस हो जाए, डिस्निया की प्रॉब्लम रिलीव हो जाए, तभी हमारा गोल हम अचीव कर पाएंगे। तभी हमने यहाँ लिखा है एज एविडेंस बाय रिड्यूस फटीग एंड डिस्निया। अब देखिए प्लानिंग हम क्या क्या करने वाले हैं, टीच एंड एनकरेज द क्लाइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइज। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, अब बिल्कुल भी अपनी बॉडी से एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा हमें एनकरेज करना ही, हम प्लान कर रहे हैं कि हम उन्हें मोटिवेट करेंगे कि डेली एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस बताएंगे। नेक्स्ट है एडवाइज हिम टू हैव रेस्ट पीरियड इन बिटवीन एक्टिविटी। अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके बीच बीच में इंटरवल्स में कुछ रेस्ट ले, ठीक है, तो वो हमें पेशेंट की, हम प्लान कर रहे हैं कि पेशेंट को ये हमें एडवाइस करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज नीडेड, कभी भी अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन हम एडमिनिस्टर करेंगे, ये हमने प्लान किया है। अब इम्प्लीमेंट कर देंगे इन प्लान को, तो क्या करेंगे, टॉट टीच की जगह क्या आ गया, टॉट एंड एनकरेज्ड द क्लाइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर डेली एक्सरसाइजेस। अब पेशेंट को हमने एनकरेज कर दिया है, यहाँ पर हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा दी है, ठीक है, रिगार्डिंग द डेली एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एडवाइज हिम टू हैव रेस्ट पीरियड इन बिटवीन एक्टिविटी। अब यहाँ पर था एडवाइस, यहाँ हो गया एडवाइज, हमने एडवाइस दे दिया है पेशेंट को, सजेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी थी, यहाँ पर हमने कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है इस प्लान को। अब देखिए हम डायग्नोज कर चुके हैं, ठीक है, गोल हमें पता लग गया था कि ऐसे क्या क्या हमें साइन शो होने चाहिए कि हमें पता लग जाएगा कि हाँ गोल हमने अचीव कर लिया है, तो वो हमें पता लगेगा इवेल्युएशन में। कंक्लूजन क्या निकला, हमने जो भी प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया था उनका कंक्लूजन क्या निकला, तो देखिए लुक्स लेस टायर्ड, अब क्लाइंट जो है पहले से लेस टायर्ड दिख रहा है, परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग विद लेस असिस्टेंस, उसको किसी भी असिस्टेंस की नीड नहीं है, वो बिना किसी असिस्टेंस के अपनी डेली एक्टिविटीज को कर पा रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर पा रहा है डेली एक्टिविटीज को। लेस कंप्लेन ऑफ फिटीग, अब वो फिटीग की कंप्लेन भी कम कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि अब मुझे थकावट हो रही है, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो ये भी एक नर्सिंग डायग्नोज था। इसी तरीके से आप एक और डायग्नोज बना सकते हो, जैसे कि नॉलेज डेफिसिट का बना सकते हो कि पेशेंट को उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज डेफिसिट एज ए नर्सिंग डायग्नोज आप बना सकते हो। तो इसी से ही आप एक और डायग्नोज बना सकते हो, जैसे सेल्फ केयर डेफिसिट, सेल्फ केयर पेशेंट नहीं कर पा रहा है, सेल्फ केयर डेफिसिट है, नॉलेज डेफिसिट है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, तो बहुत से नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो आप बना सकते हो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन पे। तो आई होप आपको एनसीपी क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट ईयर में हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। सो देखिए अब सेकेंड ईयर के नर्सिंग केयर प्लान की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में आप इतना बड़ा नर्सिंग केयर प्लान नहीं लिख सकते हो, अगर आप एनसीपी ही लिखने बैठ जाओगे तो आपका एग्जाम जो है वो भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसमें आपको एनसीपी किस तरीके से बनाना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो असेसमेंट को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है जी, असेसमेंट नहीं लिखोगे आप उसमें, क्योंकि यहाँ असेसमेंट पता है आप क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे ऐसे साइंस सिम्टम्स आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप डिजीज कंडीशन स्टडी नहीं कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आप डिजीज कंडीशन स्टडी करते हो, इसलिए आपको असेसमेंट लिखने की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लिनिकल फीचर्स में साइंस सिम्टम लिख दिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको एनसीपी किस तरीके से बनाना है, नर्सिंग डायग्नोज आप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग गोल को भी हटा दीजिए, ओके, प्लानिंग रहने देते हैं, प्लानिंग बोल दो या फिर इंटरवेंशन बोल दो, प्लानिंग और इंटरवेंशन, इंटरवेंशन के बाद इवेल्युएशन भी आप हटा दीजिए और इम्प्लीमेंटेशन भी हटा दीजिए। यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाने वाले हैं, रेशनेल, रेशनेल आप बोल सकते हैं, रीजन हमें प्रोवाइड कराना है, जैसे अगर हम इसी का रेशनल बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए नर्सिंग डायग्नोस लिख देंगे, उसके बाद हमने प्लानिंग या फिर इंटरवेंशन आप बोल दो, इंटरवेंशन हमने लिख दी है। अब यहाँ पर क्या मेंशन है, टीच एंड एनकरेज द क्लाइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइज, कि हमें टीच कराना है क्लाइंट को कि अपनी वो डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करें। अब रेशनल में क्या लिखेंगे, रेशनल में एक रीजन देना होता है कि डेली एक्सरसाइज, अगर हम यहाँ पर इंटरवेंशन में लिख रहे हैं कि डेली एक्सरसाइज पेशेंट को परफॉर्म करनी है, उसको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसको टीच करेंगे,
हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं डेली एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, तो क्यों करवा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, डेली एक्सरसाइज से होगा क्या, तो हम लिखेंगे कि डेली एक्सरसाइज से क्या होता है, जो भी वीक मसल्स होती हैं, स्पास्टिक मसल्स होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, विथ डेली एक्सरसाइज वीक एंड स्पास्टिक मसल्स इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी मसल्स गेन स्ट्रेंथ एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी रिड्यूसेस, यही लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एडवाइज हिम टू हैव रेस्ट बिटवीन, रेस्ट पीरियड इन बिटवीन एक्टिविटी, कि अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो बीच बीच में रेस्ट ले पेशेंट, यही हम बोल रहे हैं, यही इंटरवेंशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, पेशेंट को टायर्डनेस फील नहीं होगी अगर बीच में रेस्ट ले लेगा तो, इट प्रिवेंट्स फटीग, ये फटीग को प्रिवेंट करता है, इससे टायर्डनेस नहीं होगी, इसका रेशनल यही है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज नीडेड, अब हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, हमने इंटरवेंशन दी है, प्लानिंग हमने करी है, तो इसका रेशनल क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड डिस्निया ऑन एक्सर्शन, तो रीजन हमें प्रोवाइड कराना है रेशनल में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी डिजीज है एमएसएन में या फिर पीडियाट्रिक में है, अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड कराना है तो आप किस तरीके से करोगे, सेकेंड ईयर में नर्सिंग डायग्नोस, आफ्टर दैट नर्सिंग इंटरवेंशंस, उसके बाद रेशनल, ये थ्री ही स्टेप्स आते हैं नर्सिंग केयर प्लान में आपके सेकेंड ईयर में, और सिक्स स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब थर्ड ईयर का देख लेते हैं, अब देखिए अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको इस तरीके का बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो एनसीपी को, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको स्टेप्स बताए थे, तो आप डायरेक्टली असेसमेंट लिखेंगे, सॉरी असेसमेंट लिखेंगे, अब जो भी आपको असेसमेंट में लिखना है आप लिख दीजिए, आफ्टर दैट हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं तो नर्सिंग डायग्नोस आप लिख दीजिए, तो इस तरीके की एब्रीविएशंस आपको यूज नहीं करनी होती है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में कभी भी एब्रीविएशंस का यूज मत करना, नर्सिंग डायग्नोसिस लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थर्ड हम इंटरवेंशंस लिख रहे हैं इस तरीके से लाइन टू लाइन, एंड आफ्टर दैट हम इवेल्युएशन लिख देंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया नर्सिंग केयर प्लान, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आज का टॉपिक जरा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस की क्वेरीज इस टॉपिक से सॉल्व हुई हैं, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशन के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।